Hey, what is up guys? Welcome back to my channel everyone. I hope guys doing absolutely fine. तो भाई लोग कैसे हो? So भाई लोग यार आप लोगों का डिमांड भाई साहब मतलब इतना डिमांड कौन करता है भाई, मतलब आप लोगों ने बोला कि भाई सीक्रेट आइलैंड का थर्ड पार्ट कब लाएगा। तो यार आ चुका है सीक्रेट आइलैंड का थर्ड पार्ट। बेसिकली आप लोग अगर आप लोगों को पता नहीं है कि मैं इस वाले मतलब चैलेंज में करता क्या हूँ, तो इसमें चैलेंज में ये करता हूँ कि मैं बोट लेकर जाता हूँ सीधे सीक्रेट आइलैंड पे, जहाँ पर वो जो हमारा आइलैंड होता है ना वहाँ पर जाता हूँ एंड वहाँ पर जो भी गन्स मिलता है उसी गन्स को लेकर मैं खेलता हूँ। लेकिन आज कुछ ट्विस्ट है क्योंकि आज अपन लोग सीक्रेट आइलैंड प्लस S12K करेंगे। जी हाँ दोस्तों, जो शॉट गन होता है ना S12K वही चलाएंगे, क्योंकि भाई दो तीन दिन से आपको पता ही होगा, अगर आप लोग मेरे वीडियोज़ को रेगुलर फॉलो करते हो तो आप लोगों को पता होगा यार कि कुछ बंदे आते हैं और भैया मेरे को S12K से पेल के चले जाते हैं। तो इसलिए गाइस मैंने सोचा कि आज अपन भी लेंगे शॉटगन जो कि S12 के है और सबको पेलेंगे। कसम से बता रहे सबको ना कतई कतई पेलेंगे भाई, गंदे से पेलेंगे, ठीक है। तो भाई आज ना अपन भाई मचाने वाले हैं, क्योंकि भाई हमेशा ना भाई बहुत बुरा मरता हूँ यार, कसम से। आप लोग भी बताओ, आप लोग भी जब देखते हो मेरे वीडियोस, जब मैं मरता हूँ गंदा, जब कोई बंदा शॉटगन लेकर मेरे को मार देता है तो भाई बहुत गंदा फील होता है यार। इसीलिए यार आज मैंने सोच लिया था पहले से ही, और एक बंदे ने मुझे कॉमेंट भी किया इंस्टाग्राम पे, ठीक है। तो इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो कर लेना जाकर, ओके। तो इंस्टाग्राम पे मुझे डीएम भी किया था कि भाई तू हमेशा मरता है ना शॉटगन से, आज शॉटगन चैलेंज ही करा कर, ओके। तो चलो यार करते हैं शॉटगन चैलेंज आज, और ये जो हमारा सीक्रेट आइलैंड है वो भी चैलेंज हो जाएगा और शॉटगन चैलेंज भी हो जाएगा, जो कि है हमारा S12K, ओके। तो चलो देखते हैं हम लोगों को कब तक S12K मिलता है, और अगर डुअल S12K मिल जाता है ना, मतलब दो दो S12K, तो भैया और भी बढ़िया सीन हो जाएगा मेरे साथ। तो देखते हैं कब तक मिलता है। ओ भाई साहब देखो, बोलते बोलते ही मिल गया यार, मतलब अभी मैं बोल ही रहा था कि भाई मेरे को S12K चाहिए और देखो पबजी वाले ने दे भी दिया। तो भैया मतलब पबजी वाले भी बोल रहे हैं कि भैया आज तू तबाही मचा दे S12K लेकर, मतलब सबको फोड़ डाल भाई, मचा दे कतई, ओके। तो चलो S12K तो मिल चुका है और देखते हैं एक और S12K मिल जाए तो बहुत ही बढ़िया होगा। ओ भाई साहब देखो मेरे सामने पड़ा हुआ है। ओ भाई साहब दो S12K भाई, मतलब लॉटरी लग गया यार आज मेरा, मतलब क्या ही बताऊं यार, दो S12K। तो चलो यार आज तो कतई तबाही मचाना ही है, ओके, अपन को और आप लोगों को भी, ओके। तो चलो देखते हैं क्या होता है और थोड़ा सा लूटा लड़ी कर लेते हैं, क्योंकि S12K का जो एमोज है वो बहुत ज़्यादा कम है, तो और थोड़ा सा ले लेते हैं, मतलब शॉटगन का एमो अगर मिलता है कि नहीं। बाकी हम लोग मैप में जाकर भी एमो ले सकते हैं, क्योंकि ओनली वेपन चैलेंज, आपको पता है कि मैं इस मतलब ये जो सीक्रेट आइलैंड है इससे सिर्फ और सिर्फ वेपन उठा सकता हूँ, ओके। मतलब मैप में जाकर कोई भी वेपन उठा नहीं सकता हूँ, लेकिन एमोज तो ज़रूर उठा सकता हूँ ना। तो देखते हैं मिलता है कि नहीं एमोज वगैरह। तो चलो यहाँ से निकलते हैं, और अगर गाइस अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं मारे हो ना तो क्या कर रहे हो यार, जाओ वीडियो को लाइक मारो। आज किस वीडियो का लाइक है मैं रखता हूँ 10,000 लाइक, ओके। तो कर देना यार, दिल को सुकून मिल जाएगा। अब देखो यहाँ पर दो बॉट्स दिख गए थे मेरे को, तो मैंने सोचा कि भाई देखो फ्री का किल कौन छोड़ेगा, मतलब बताओ यार फ्री का किल कौन छोड़ेगा। तो मैंने सोचा कि चले यार इन दोनों बॉट्स को निपटा के ही आते हैं, क्योंकि भैया एक तो ये लोग पानी के अंदर है तो मेरे को डैमेज नहीं दे सकते हैं, तो मैं ईजिली इन सब इन दोनों को मार सकता हूँ। तो चलो मारते हैं। सो एक बॉट भाई सब तो निपट गया, लेकिन अभी भी दूसरा वाला जोन के अंदर था, तो चलो उसको भी निपटा के आते हैं। वो ऑलरेडी डैमेज होगा क्योंकि जोन के अंदर था वो, तो उसको ज़्यादा गोली नहीं मारना पड़ेगा। तो चलो निपटाते हैं और क्या। सो बोला था ना गाइस कि इसको ज़्यादा मारना नहीं पड़ेगा, तो उसको मारने के बाद मैंने इसके पास से जो हेल्थ किट वगैरह था वो लूट लिया, ओके। उसको लूटने के बाद मैंने सोचा कि चल यार यहाँ से निकलते हैं, अब बंदों को निपटाएंगे, क्योंकि बंदे का फायरिंग बहुत ज़्यादा आ रहा था, जो कि मुझे आ रहा था थर्ड हिल से, और थर्ड हिल इसी जो हमारा ये जो नदी है ना, इसको नदी बोलेंगे, नदी समुंदर से जुड़ता है आपको पता है ना। तो यहाँ पर देखो, ओ भाई ओ ओ गलत गलत गलत, फंस जाऊंगा मैं अबे नहीं नहीं नहीं, अरे ड्राइविंग मेरे से अच्छा कौन जानता है। ओ माय गॉड, वाओ, मतलब गाइस ड्राइविंग में बीस टू वे में, मतलब बीस टू एकदम एक नंबर भाई साहब।
अब देखो मैं आ चुका था थर्ड डील की तरफ। ओके, थर्ड डील की तरफ जैसे आया तो यहाँ पर मेरे को कुछ बंदे दिख चुके थे जो कि फायरिंग वगैरह कर रहे थे। और देखो मैं जैसे ही उतरा तभी मेरे को एक बंदा दिख गया। अब देखो क्या बोला था, आज न कतई फोड़ने वाला हूँ यार, सबका फोड़ने वाला हूँ, कसम से बता रहा हूँ यार, आज तो भाई मचाने वाला हूँ। बहुत मारे हो तुम लोग मेरे को, कसम से यार। दो तीन दिन से जब मैं शॉटगन नहीं ले रहा था, मतलब जब कोई अदर गन का चैलेंज कर रहा था, तब गाइस कतई तबाही वाला मारते थे तुम लोग। आज तो भाई मेरा पाला है, मतलब मेरा पाला है भाई, आज अपन मारेंगे, कुछ भी हो जाए आज अपन मारेंगे। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा शॉटगन के एमओ वगैरह खोज रहा था, तो यहाँ पर मेरे को शॉटगन का एमओ मिल गया और सामने की तरफ कुछ क्रेट्स वगैरह पड़ा हुआ था। तो चलो देखते हैं इनके पास शॉटगन का एमओ होगा कि नहीं। इसके पास तो नहीं है, लेकिन इस वाले के पास देखते हैं। जी हाँ दोस्तों, इस वाले के पास था शॉटगन का एमओ, तो मैंने उठा लिया। सो यहाँ पर एक बॉट भाई साहब आ गए थे जिसको मैंने बहुत ही प्यार से निपटा दिया। अब इसको निपटाने के बाद गाइस मैंने सोचा कि छेले यहाँ से निकलते हैं, क्योंकि अब ज़्यादा बंदे बचे भी नहीं थे और जोन भी नहीं था यहाँ पर। ऑब्वियस सी बात है, जोन यहाँ पर नहीं था, तो मुझे जोन के अंदर भी जाना था। तो छेले यार जोन के अंदर जाते हैं एंड देखते हैं वहाँ पर कितने सारे बंदे होते हैं और कितने सारे बंदों को मैं ठेला पाता हूँ। ओके, अब देखो गाइस मैं जोन के अंदर भी आ चुका था और ड्रॉप भी गिरा था सामने की तरफ, और ड्रॉप में मेरे को एक भी बंदा नहीं दिखा। तो मुझे पता चल गया कि जो बंदे हो सकते हैं वो इसी घर के अंदर हो सकते हैं। तो मैंने जब अंदर घुसा, मतलब घर के अंदर जैसे ही घुसा, तभी गाइस मेरे को फुटस्टेप आना स्टार्ट हो गया था। तो चलो अब देखना गाइस, यहाँ पर मेरे को कुछ बंदे दिख चुके थे जो कि घर के अंदर थे, ठीक है। अब देखो यार मैं सीधा चला गया इस वाले घर के अंदर उन दोनों बंदों को निपटाने। अब जैसे मैंने नेट फेंकने की कोशिश किया, तभी गाइस देखना वो दोनों बंदे भाई कहां से नीचे से प्रकट हो गए। अब देखो गलत सीन यार, गलत सीन। कसम से यार मेरे साथ ही गलत सीन होता है भाई साहब, मतलब कैसे यार, कैसे, मतलब वो बंदा नहीं मरा यार, मतलब हद है यार, सच्ची बता रहा हूँ हद है। अब देखो यार आ चुके नेक्स्ट वाले गेम प्ले पे। अब नेक्स्ट वाले गेम प्ले पे मैं ले चुका था डार्सिया, डार्सिया लेने के बाद सीधा आ चुके थे जहाँ पर हम लोगों को बोट मिलता है। बट इस बार देखना गाइस मेरे साथ क्या ही गलत सीन होता है। नहीं तुम लोग देखो यार, मैं कुछ नहीं बोलूँगा, तुम लोग देखो क्या होता है मेरे साथ, ठीक है। अब मैं ओवर कॉन्फिडेंस में यहाँ पर गाड़ी तो कूदा दिया, लेकिन जैसे नीचे गया तब मुझे पता चला कि भाई साहब यहाँ पर तो बोट है ही नहीं, मतलब है ही नहीं, मतलब क्या ही बताओ यार। अब मैं बोट खोजने लग गया कि भैया कहीं तो स्पॉन हो गया बोट, मतलब कहाँ चला गया। लेकिन भाई बताया था ना भाई गलत सीन मेरे साथ ही होता है, तो भैया पबजी वाले इस बार मेरे को बोट ही नहीं दिया, मतलब क्या ही बताऊँ यार, मतलब बोट क्यों नहीं स्पॉन होता यार यहाँ पर। पहले तो भाई बहुत स्पॉन होता था, मतलब हर एक मैच में यहाँ पर बोट होता ही होता था, लेकिन इस बार भाई कहाँ गायब हो जा रहा है पता ही नहीं चल रहा। ओके, बाकी नीचे कॉमेंट सेक्शन में एक चीज़ आप लोग नीचे कॉमेंट में बताना गाइज, ओके, कि ये जो हमारा ई स्पोर्ट होता है ना, ई स्पोर्ट को छोड़कर और कहां कहां मतलब बोट स्पॉन होता है, ठीक है, बता देना यार, थोड़ा सा हेल्प कर देना मेरे को। ओके, तो मुझे भी हेल्प हो जाएगा। अब मेरे को यहां पर देखो मिला नहीं, तो मैंने सोचा कि चलो यार यहां पर पहले खोज लेते ई स्पोर्ट पे, अगर ई स्पोर्ट पे मेरे को शॉटगन मिल जाता है जो कि S12K है, अगर वो मिल जाता है तब मैं सीक्रेट आइलैंड पे नहीं जाऊंगा, अगर नहीं मिलता है तो मैं गारंटी जाऊंगा और मर के आऊंगा। लेकिन हाँ गाइस, पबजी वालों ने मेरा बात सुन लिया और मेरे को S12K दे दिया, इसका मतलब मैं अब सीक्रेट आइलैंड पे नहीं जाऊंगा। ओके, यहाँ पर जो और भी S12K है और लूट लूँगा और बंदों को ठिलाने चला जाऊँगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं और भी गन्स वगैरह लूटना स्टार्ट कर दिया और यहाँ पर देखो मेरे को शॉटगन मिल चुका था। ओके, तो एक शॉटगन और S12K, तो शॉटगन मैं यूज़ नहीं करूँगा, उसको मैं ऐसे बैकअप के लिए रख लिया था, ठीक है। बाई चांस में अगर मेरा S12K रीलोड पे चला गया तब मैं उसको चला सकता हूँ। ओके, अब मैं जैसे यहाँ से निकलने वाला होता हूँ तभी गाइस देखना एक बगी का साउंड आता है मेरे पे और देखो गाइस यहाँ पर क्या ही तबाही होगा। अब यहाँ पर मैंने एक गलत सीन कर दिया था भाई, उतर गया था गलत, यहाँ पर ऐसा उतरना नहीं चाहिए था, बट क्या ही कर सकते, उतर गया था। बट गाइस देखो यहाँ पर मैं पीछे पड़ गया उन दोनों का, और जैसे ही पीछे पड़ा भाई
मारेंगे तभी छोड़ेंगे, क्योंकि एक बार जब मैं पीछे पड़ जाता हूँ ना तब भाई मारता जरूर हूँ। ओके तो देखो मैं यहाँ पर पीछे पड़ गया, लेकिन गाइस उसका जो दूसरा वाला टीममेट था ना जो पीछे बैठा हुआ था वो एक नंबर का नूब था। मतलब भाई एक भी गोली मेरे पे लग ही नहीं रहा था। अब देखो यहाँ पर जैसे गाड़ी फंसेगा उसका तभी देखना बूम बम कैसे होगा। ठीक है देखो, सो एक बंदा नॉक हो गया, दूसरा वाला बंदा दूसरे वाले बंदे को भी बहुत ही प्यार से निपटा दिया। और ये बॉट भाई मतलब बहुत दिक्कत देता है ये बॉट भाई साहब ना, भाई जब फाइट होता है ना तभी आता है और पीछे से ना टुकुच टुकुच करके भाई बहुत मारता है यार कसम से। ये बॉटों का ना भाई अलग सीन है। और तभी देखो एक दो बंदे मेरे पे रस कर दिया। अब यहां पर देखना गलत सीन, आप लोगों ने एक चीज नोटिस किया, मेरा बंदूक चला ही नहीं। मतलब मेरा जो इस बार आके है वो चला ही नहीं, लिटरली मैं फायर के बटन पे क्लिक कर रहा हूं 10-15 बार क्लिक करा लेकिन चला ही नहीं। मतलब क्या मजा, क्या ग्लिच होता है भाई मेरे साथ, पता नहीं मेरे साथ, मतलब मेरे साथ ही हमेशा गलत सीन यार। देखो मेरा पिंग भी ऐसा नहीं कि मेरा पिंग हाई दे रहा है, ऐसा भी नहीं है, पिंग मेरा एकदम सही है, लेकिन गलत सीन तो मेरे साथ ही होना है, तो कोई बात नहीं यार। ओके तो ये छोटा सा वीडियो गाइस, अगर तुमको ये वाला वीडियो पसंद आया ना उधर वीडियो कर दो लाइक, चैनल कर दो सब्सक्राइब, नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन कराना गाइस, क्योंकि मैं ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस रोज लेकर आता हूं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।